Hello student, today we discuss class 12th chapter 2 electrostatic potential and capacitor. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसपे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसको बोल दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक का मीनिंग टू चार्ज विच आर इन रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टेटिक मतलब स्टेटिक का मीनिंग रेस्ट होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज टू प्रेजेंट ऑफ चार्ज, तो अगर चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, इस वर्ड का जो यूज हमने 11th में भी करा था और समझा था क्या होता, 11th में हमने समझा था कि किसी भी वर्क का करना जिसके कारण एनर्जी स्टोर होना किसी भी बॉडी में, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। जैसे मैंने स्प्रिंग का ही केस लिया था, स्प्रिंग का क्या केस लिया था, कोई बॉडी ए है, अगर मैं स्प्रिंग इस पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ये स्प्रिंग अटैच कर दी। अब मैं इस बॉडी ए को क्या करा, स्प्रिंग अटैच कर दी, पहले तो ये रेस्ट कंडीशन, मैंने अब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, स्ट्रेच मतलब ए को पकड़ के इस डायरेक्शन में खींचा, सपोज मैं ए को इस डायरेक्शन में लेके आ गया, ठीक है, तो ए को इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा, सपोज मैं ए को खींच के इस डायरेक्शन में लेके आ गया, तो ये इसमें क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। अब जैसे मैं इस ए को जैसे मैं रिलीज करता हूँ, हाथ से छोड़ता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, अपना जो बॉक्स ए है वो क्या करेगा, सेम उसी पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा, जो ये पोजीशन थी उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मतलब स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है, जैसे तुम इसको खींच रहे हो ए को, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है, वो ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी और तुम इसको इस डायरेक्शन में, मतलब स्प्रिंग की जो डायरेक्शन है, स्प्रिंग की जो टेंडेंसी है कि वो जस्ट इस डायरेक्शन में तुमको खींचेगी, इस बॉक्स को खींचेगी, तो उसके अगेंस्ट तुम वर्क कर रहे हो, आ रहा समझ में, इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि तो जैसे तुमने इस ब्लॉक को जैसे पीछे खींचा, जैसे रिलीज करोगे तो सडनली फिर मूव करेगा, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मतलब एक तरह से ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एक एनर्जी स्टोर हो रही है, तो अगर जैसे तुम इसके सामने हाथ लेके भी आओगे तुम्हें लग सकती है, मतलब एक तरह से एनर्जी स्टोर हुई है, अगर बिना एनर्जी के तो कुछ पॉसिबल होता नहीं है कि तुम कुछ डैमेज हो जाए, आ रहा हूँ। तो जैसे स्प्रिंग की टेंडेंसी के जस्ट अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूँ, तो ये वर्क क्या करेगा, कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दिखेगी नहीं, एक तरह से महसूस कर सकते हो, तो इसी एनर्जी को क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी बोला था। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे हमने बोला था कि अर्थ पे कोई स्टोन रखा हुआ, या फिर बॉडी ए ही ले लो, ये अर्थ है, अर्थ की टेंडेंसी के तो ग्रेविटेशन जस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे इस ब्लॉक को मैं उठा के इस ऊपर ले गया, ठीक है, मूवमेंट करवाया मैंने, और उसी ब्लॉक को सपोज एक और सरफेस ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई, उसको मैं ज़्यादा हाइट पे लेके गया हूँ, इस हाइट से अगर ये मूव करेगा, इस हाइट से अगर ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये सरफेस कम डैमेज होगी, अगर इस हाइट से नीचे गिरेगा तो सरफेस क्या होगी, ज़्यादा डैमेज होगी। मतलब जैसे जैसे हाइट तुम बढ़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हो रही, क्योंकि एनर्जी तुमको दिखेगी कहाँ पर, इस सरफेस भी दिखेगी जो डैमेज कर रहा है, ज़्यादा डैमेज हुआ मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, तो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी तो डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कराएगी ऑब्जेक्ट को, बाकी तुम क्या कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा वर्क जो किसी के अगेंस्ट किया हो और उसमें क्या हो, एनर्जी स्टोर हो जाए। अब चार्जिंग में बात कर लेता हूँ, चार्जिंग में बात करता हूँ, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो ये इसकी जो इच्छा से साइमल, मतलब बोल सकते हो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसके नेचर के कारण क्या करता, दोनों में रिपल्सिव बिहेवियर शो करता है। बाकी मैं बोल दूँ कि इस चार्ज को मैंने रेस्ट में रख दिया, उस चार्ज को जबरदस्ती इसके पास में लेके आया, ठीक, क्योंकि ये तो रिपल्शन शो करेगा ना, इसका काम तो है कि वो दूर जाने भगाने की कोशिश करेगा, बाकी मैं इसको इसके पास में लेके आ रहा हूँ, तो सपोज क्यूब्स को मैं इस यहाँ पर लेके आ गया, मतलब तो इसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी, जैसे मैं इसको रिलीज करता हूँ तो फिर क्या करेगा, वो इसी डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी, तो इसको क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, दोनों क्या बिहेवियर शो करेंगे, अट्रैक्शन का बिहेवियर शो करेंगे, मतलब दोनों क्या आएंगे, पास में आना चाहते हैं पर हम उसको पास में नहीं आने देंगे,
क्या करेंगे, उसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। मैंने माइनस क्यू और ये दोनों आने की कोशिश करते पास में, तुम्हें ने बोला कि मैं तो इसको दूर ले जाऊंगा, मतलब ये क्या करेगा, दूर ले गया। फिर भी ये क्या दूर ले गया, मतलब ये फिर अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज कर छोड़ देता हूँ तो चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर आने की कोशिश करेगा पर मेरे को लाना नहीं है, तो इस कंडीशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया तो इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी। इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ये बोलती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर प्रेजेंट पोजिशन। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, अभी तो हमने लिख दिया, तुमको समझ में भी नहीं आया क्या लिखा। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस डिफाइंड एज, अभी तक यहाँ तो इसने डिफाइंड ही करा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम, देखो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर प्रेजेंट पोजिशन। मतलब अगर किसी के अगेंस्ट, जैसे सपोज मैं इनफाइनाइट से उसकी प्रेजेंट पोजीशन, मैंने मैं क्या बोला था, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन का, मतलब प्रेजेंट मैंने बोल दिया फिक्स पोजीशन, ये फिक्स इसकी पोजीशन है, ये इसकी फिक्स पोजीशन है। अगर मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ तो जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलूँगा मैं, पोटेंशियल बोलूँगा, और जो एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलूँगा, पोटेंशियल एनर्जी बोलूँगा। ओके, ये इसकी डेफिनेशन बोलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमको डिराइव करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।